नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान, हर महीने अनाथ बच्चों को बिहार सरकार देगी 1500 रुपये। सरकार की नाक के नीचे पटना में भी कोरोना टेस्टिंग में बड़ी गड़बड़ी, एक व्यक्ति के मोबाइल पर 20 अनजान लोगों की जाँच रिपोर्ट आई। बिहार के बगहा में बारिश के बाद गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, कटाव से किसान परेशान, तरबूज की खेती को भारी नुकसान। तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला, कहा कोरोना की जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आरजेडी ने पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर जिसमें लिखा मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। एम्बुलेंस के फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले पत्रकार पर FIR। तेजस्वी ने पूछा सच्चाई छपने से क्यों डरते हैं नीतीश। बिहार में सभी विधायक और सांसदों का बात सुनेंगे अधिकारी, सीएम नीतीश ने ये काम करने को कहा। बिहार में 7 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन, जाने किन छूटों की है संभावना। आज सीएम नीतीश करेंगे बैठक। बिहार में मौसम ने मारी पलटी, दिन भर धूप के बाद इन जिलों में बारिश शुरू, IMD का अलर्ट जारी। लॉकडाउन के बाद अस्पतालों में बदलेगा इलाज का तरीका, जाने पटना IGIMS में कब शुरू होगी रूटीन सर्जरी व OPD। बिहार कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, इस महामारी में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों को 1500 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया है। रविवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बिहार सरकार बाल सहायता योजना अंतर्गत अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये देगी। सीएम ने कहा कि ये राशि उन बच्चों को दी जाएगी जो कोरोना काल में अनाथ हुए हैं, उनके माता या पिता में से किसी की मौत कोरोना संक्रमण से हुई हो। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं है उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। सीएम ने ट्वीट किया कि वैसे बच्चे बच्चियां जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिनके कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कोरोना को लेकर बिहार के स्वास्थ्य महकमे ने कितना गड़बड़झाला किया है इसकी पोल राजधानी पटना में भी खुली है। सरकार की नाक के नीचे राजधानी पटना में कोरोना टेस्टिंग के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की उजागर हुई है। एक व्यक्ति के मोबाइल पर 20 अनजान लोगों की जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। सैकड़ों ऐसे लोगों की जांच का लेखा जोखा तैयार किया गया है जिनका नंबर 00000000 है। ऐसी कई गड़बड़ियां पटना में सामने आई है। हम आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान में भी बिहार के जमुई से लेकर दूसरे जिलों में कोरोना जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। इससे देश भर में बिहार की किरकिरी हुई थी, लेकिन सरकार नहीं चेती और दूसरी लहर के दौरान भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा हो गया। यास चक्रवात तूफान के कारण हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। गंडक नदी के साथ ही मसान एवं अन्य पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण नदी के आसपास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी की जा रही है। विशेष तौर पर गंडक नदी के निचले इलाकों में खेती करने वाले किसान खासे परेशान हैं। कटाव से किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा नुकसान नदी के आसपास तरबूज की खेती कर रहे किसानों को हुआ है। किसानों के खेत में ही फसल बर्बाद हो गया है। वहीं कटाव से कई फसलें पानी में बह रही है। जिला प्रशासन ने किसानों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लगातार बारिश के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर नदी का डिस्चार्ज बढ़कर 1,31,000 तक पहुंच गया था। हालांकि फिलहाल बाढ़ की कोई संभावना नहीं है, फिर भी अगर लगातार बारिश हुआ तो हालात बदल सकते हैं। जिला प्रशासन की अपील के बाद नदी के पास बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी की जा रही है। बिहार में कोरोना जांच को लेकर RJD नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। कोरोना की जांच में घोटाले की बात कह तेजस्वी ने सरकार को घेरने का काम किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार ने वास्तविक जांच और कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच किट बेची गई है, जांच के अभाव में कोरोना से लोगों की जाने गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी कोई परवाह नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह लिखा है कि विगत वर्ष बिहार के लगभग प्रत्येक जिले में कोरोना जांच घोटाला हुआ था। वास्तविक जांच और मौतों के आंकड़े छिपाने के लिए इस वर्ष भी फिर वही खेल हुआ। निजी अस्पतालों की जांच किट बेची गई,
जांच के अभाव में लोग मरते रहे, लेकिन सीएम को कोई परवाह नहीं क्योंकि संरक्षण करता तो वही है। बिहार में एक बार फिर कोरोना की जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का उजागर हुआ है। मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर जैसे जिले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों की जांच रिपोर्ट भेजी जिन्होंने कभी सैंपल दिया ही नहीं। जांच में सैंपल देने वालों का जो मोबाइल नंबर सरकारी बही खाते में दर्ज किया गया है उसमें से 25% नंबर गलत निकले हैं। बिहार में एक बार फिर बैनर पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया था, लेकिन पोस्टर किसने लगाई थी यह पता नहीं चल सका। वहीं इस बार मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आरजेडी की तरफ से पटना में बैनर लगाया गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए आरजेडी ने यह बैनर लगाया है। इस बैनर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में देश की जनता के समक्ष क्या क्या समस्याएं आई। बैनर में यह लिखा गया है कि मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। आरजेडी द्वारा पटना में लगाया गया बैनर पर लिखा गया है कि मोदी तेरे 7 साल में जनता हुई बेहाल। पोस्टर के माध्यम में महंगाई का मुद्दा उठाया गया है। सीधे तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से देश के अंदर कमरतोड़ महंगाई बढ़ी हुई है। सरसों तेल 200 रुपये, LPG सिलेंडर 960 रुपये, पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 93 रुपये लीटर है, जिससे आम लोगों की कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया है। बिहार के बक्सर और गया जिले में 2 पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर पूछा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार सच्चाई छपने से क्यों डरते हैं। नीतीश कुमार ने पत्रकारों पर केस करने की एक नई परिपाटी शुरू की है। दरअसल बक्सर जिले के चर्चित एम्बुलेंस मामले को प्रमुखता से दिखाने पर पत्रकार उमेश पांडे पर FIR दर्ज की गई है। ये FIR बीजेपी नेता और बक्सर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी ने दर्ज कराई है। बक्सर के सदर थाना में उन पर 500, 506, 290, 420 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी ने उमेश पांडे पर धमकाने, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी की छवि धूमिल करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ प्रमंडलवार बैठक में प्राप्त सुझाव से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर ही अधिकारी काम करेंगे। सीएम के साथ बैठक में जन संसाधन विभाग के सचिव संजीव कुमार हंस ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 13 से 21 मई तक सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग से प्रमंडलवार बैठक की गई। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित बाढ़ पूर्व कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ चारों विभागों की बैठक प्रमंडलवार हुई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा बाढ़ से बचाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधरी है, लेकिन अब भी हालात उतने अच्छे नहीं हुए हैं कि लॉकडाउन को हटा दिया जाए। इसे देखते हुए राज्य में अभी 1 सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रह सकता है। इससे जुड़े सभी पहलुओं पर गहन समीक्षा करने के लिए शनिवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव के अलावा सभी जिलों के DM भी ऑनलाइन जुड़े। कोरोना की अब तक की स्थिति और सभी मसलों पर विचार विमर्श के दौरान सभी अधिकारियों ने लॉकडाउन की समय सीमा कम से कम 1 सप्ताह तक बढ़ा देने की सलाह दी। हालांकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लॉकडाउन को 1 सप्ताह जारी रखने के अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि इस बार नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। यह संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी समेत अन्य चीजों का बाजार खोलने के समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में यह शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक है। इसे बढ़ाकर दोपहर 2 या शाम 4 बजे तक किया जा सकता है। बिहार के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। दिन भर तेज धूप के बाद राज्य के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश के साथ तेज हवाएं नहीं चल रही है। बता दें कि बिहार में 30 मई तक यास तूफान की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य के मधुबनी, दरभंगा सहित उत्तर बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान यास के बाद लगातार 4th दिन यह बारिश हो रही है। आज दिन में राज्य के कई जिलों में तेज धूप निकली थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब बारिश में लोगों को राहत मिलेगी।
इधर IMD दिल्ली ने बताया है कि देश में 3 जून के बाद इस बार मानसून की एंट्री होगी। पहले यह 1 जून को ही आने वाला था, लेकिन यास तूफान की वजह से 2 दिन की देरी हुई है। मानसून केरला के तटों से टकराकर पूरे भारत में आएगा। बिहार में लॉकडाउन कब खुलेगा इस पर अभी संशय है, लेकिन यह तय है कि इसके बाद शहर के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स PMCH समेत अन्य बड़े अस्पतालों की व्यवस्था व इलाज के तौर तरीके में काफ़ी बदलाव हो सकता है। पुराने तरीके से हो रहा इलाज संक्रमण बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसे मद्देनज़र IGMS व एम्स अभी से दिशा निर्देश तैयार करने में जुट गए हैं। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर व विभागाध्यक्षों की देखरेख में कोर कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यह कमेटी लॉकडाउन के बाद संस्थान में चिकित्सा सुविधाओं को शुरू करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करेगी। साथ ही भीड़ नियंत्रित करने व शारीरिक दूरी के पालन के लिए दिशा निर्देश भी तैयार किए जाएंगे। इससे IGMS व एम्स में काफी कुछ बदल जाएगा। इलाज के दौरान भी मरीजों को शारीरिक दूरी का पालन करना पड़ेगा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।